अभी हम धनबाद के इस NMM केज में हैं और यहाँ पर एक बच्चा को यहाँ लाया गया है जिसके शरीर में तीन तीन सरिया घुसा हुआ है। और आपको ठीक है, यह जो SNMM केज का यह जो इमरजेंसी द्वार है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह जो बच्चा है वह अंदर में इसे लाया गया है और अंदर में ही उसके तमाम डॉक्टर की जो टीम है वो उसके सर्जरी के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो कर रहे हैं। और बच्चा जो है काफ़ी ही गरीब परिवार का बच्चा है। और बता दें कि तमाम डॉक्टर की जो टीम है सामने में सुरक्षाकर्मियों को देख सकते हैं, ये तमाम सुरक्षाकर्मी इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में जो अनवांटेड तत्व हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकें। और साथ ही सामने में हम कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि जो डॉक्टर हैं वो अंदर में सर्जरी कर रहे हैं बच्चे का, और तीन सरिया, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सरिया बच्चे के शरीर में घुसा हुआ है। और आपको बता दें कि यह बच्चा जो है अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ा हुआ था पेड़ पर और वहां से वह गिरा है, और गिरने के बाद में जैसे ही यह बच्चा नीचे गिरा है और वहां पर एक निर्माणाधीन पिलर थी, बाउंड्री वॉल हो रहा था और पिलर में वह बच्चा पड़ गया, उसी के चपेट में आ गया और ठीक उसमें जाकर के बच्चा जो है वह पिलर के सरिया में जाकर उसके चपेट में आने से उसके शरीर में तीन सरिया घुस गए। बड़ी मुश्किल से उन तीनों सरिया को निकालने का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने अपने प्रयास से यहाँ पर बच्चे का जो पिलर था, जो सरिया था पेट में जो घुसा हुआ था, उसको आड़ी से काट करके उस पिलर से अलग किया और बच्चे को आनंद फानंद में स्थानीय मुखिया के वाहन से अस्पताल लेकर के पहुँचे हैं लोग। और सीधे आपको बता दें कि यहाँ पर हम SNMCH परिसर में अभी मौजूद हैं। यह बाहर का नज़ारा, कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ से लोगों को बाहर निकाल दिया है। और जो ठीक सामने में यह इमरजेंसी का नज़ारा और घटना की बात करें तो यह जो घटना है यह गोविंदपुर प्रखंड के आसनबनी पंचायत की घटना है। वहीं पर आसनबनी गाँव भी है, वहीं पर यह बच्चा जो है आदिवासी बच्चा है और पेड़ पर चढ़ा हुआ था। इस बच्चे के पिता का दोस्त स्वर्गवास हो चुका है, काफ़ी गरीब परिवार से यह बच्चा बिलोंग करता है और इसकी माँ जो है दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके परिवार का लालन पालन करती है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को अभी सहयोग की आवश्यकता है। और कुछ देर पहले चिकित्सकों ने ब्लड बैंक जो लोग इन्हें लेकर आए थे ब्लड बैंक भेजा है, क्योंकि शरीर से काफ़ी खून बह चुका है तो इसे बचाना बहुत ही क्रिटिकल है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थानीय लोगों ने इसकी मदद की है और जो लोग हैं वो अपने स्तर से चाह रहे हैं कि इसको अपना ब्लड देकर भी बच्चे को बचाया जाए, तो जो कोशिश है इस कोशिश में लोग कामयाब हों, यही कोशिश होगी। और जो स्थानीय जो लोग हैं जो लोग उस बच्चे को यहाँ पर लेकर पहुँचे थे वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग उस बच्चे के साथ में आए हुए थे? क्या उस बच्चे के साथ में आए हुए थे? नहीं आए हुए हैं। तो कुछ समय पहले जो तमाम लोग थे, संभवतः सभी लोग अभी ब्लड बैंक की तरफ गए हुए हैं, और ब्लड बैंक से जैसे ही लोग पहुंचते हैं यहाँ पर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने किस तरह से प्रयास किया था, किस तरह से कोशिशें की और किस हद तक उन्हें सफलता मिली है। एक शख्स दिख रहे हैं जो कि उस वाहन को चला करके आए थे, उनसे हम सीधे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया साहब बताइए भैया कि किस तरह से बच्चा को वहाँ पे चोट लगी थी और कैसे आप लोगों ने अपने स्तर से बच्चे को बचाने का काम किया है और स्थानीय मुखिया ने किस तरह से सहयोग किया है? जैसे स्थानीय मुखिया खबर सुना वैसे हमको फ़ोन किया उनका ड्राइवर, वैसे हम दौड़ के किए तो देखते हैं कि रट उसका घुसा हुआ है, पूछताछ किए तो अमरूद का पेड़ था उसी में चढ़ा हुआ था, डाली टूट के गिर गया, बाउंड्री का पिलर था रड निकला हुआ था उसी में गिरा, गिर के रड उड काट के फिर निकाला उड़ा के भर। तो कितना समय लगा यहाँ पर लाने में? एक आध घंटा। सर एक क्रिटिकल केस आया हुआ है, अभी क्या स्थिति है बच्चे की? बच्चा अभी खतरे से बाहर नहीं है और रड जो है वो उसके छाती में घुसा हुआ है सर, ज़्यादा इसकी संभावना है कि उसका लंग जो है डैमेज है, लंग के साथ लीवर भी डैमेज है, उसकी आंतें भी डैमेज हो सकती है। अभी जितनी भी उसको जीवन रक्षक दवाओं पर रखा गया है और आंतरिक रक्त स्राव की संभावना है, अभी हम लोग उसके लिए ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं और ब्लड की व्यवस्था जैसे हो जाएगी
हम उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर जो भी हमारे साथ हमारे इस अस्पताल में अच्छा से अच्छा संभव है वो हम लोग उसका जान बचाने का। सर अभी कितने डॉक्टरों की टीम लगी हुई है उसे बचाने में? इसमें हमारा पूरा हड्डी विभाग, सर्जरी विभाग और एनेस्थीसिया विभाग इसको मैनेज करने में लगा। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर इवेन वर्मा जो कि एनेस्थीसिया के विभागाध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी स्पष्ट किया है कि बच्चे को बचाने के लिए तीन विभाग के डॉक्टरों की टीम लगी हुई है जिसमें कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ऑर्थो सर्जरी के डॉक्टर, इसके अलावा सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष और एनेस्थीसिया के तमाम डॉक्टर जो हैं वो लगे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि बच्चे को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और जैसे ही तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है बच्चे को यहाँ से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाएगा। फिलहाल उन्हें उसे माइनर ओटी में रख करके उसका इलाज किया जा रहा है और सामने में जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर से डॉक्टरों की टीम जो है वो बाहर निकल रही है और उनके द्वारा भी जो पूरे केस को हैंडल किया जा रहा है। और डॉक्टर इवेन वर्मा ने जिस तरह से बताया कि बच्चे को अभी हम खतरे से बाहर नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े बड़े केसों में धनबाद के जो डॉक्टर हैं वो उसे बहुत ही आसानी से बच्चे को रिकवर करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी वो इस मामले में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे, इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है और माना जाना चाहिए कि किस तरह तो सीधे हम ये तस्वीरें आप देखिए कि अस्पताल में और भी जो मरीज हैं वो इलाज के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और जो लोग इस बच्चे को बचाने में लगे हुए थे उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें बताने का प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि किस तरह का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि यह जो पूरा का पूरा स्कूल अस्पताल का जो अस्पताल प्रबंधन है वो बच्चे को बचाने में अभी जुट गया है और कोशिश यही है कि इस बच्चे को हर हाल में बचाया जाए क्योंकि जिस तरह से लगातार बच्चे के आंतरिक रक्त स्राव हो रहा है वो कहीं ना कहीं यह खतरे की निशानी तो है, लेकिन जो चिकित्सकों की टीम है वो भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका भी कोशिश यही है कि बच्चे को हर हाल में बचाया जाए क्योंकि गरीब घर का बच्चा है और उसके पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और स्थानीय लोगों की मदद से उसे यहाँ पर लाया गया है। स्थानीय मुखिया ने भी काफ़ी सहयोग किया है, उनकी गाड़ी से ही बच्चे को लाया गया और जो लोग उनके साथ आए थे तकरीबन 10-15 लोग आए थे, सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लोगों ने अपने मेडिसिन अपने स्तर से मेडिसिन की व्यवस्था की और पूछते हैं कि क्या कुछ उन्हें कुछ परेशानी भी हो रही है या दवाई वगैरह जो है वो यहाँ से मिल जा रहा है या फिर आप लोगों को कभी कैसे लाना पड़ा है? इस बच्चे के लिए लाना पड़ा तो पड़ा है, इस बच्चे के लिए दवाई लाना पड़ा था। हाँ कौन कौन सा दवाई लाया? कौन कौन दवाई अस्पताल तो सरकारी है और राज्य सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सभी दवाएं निःशुल्क मिल रही हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को यहाँ पर सभी की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है। उनकी तरफ अगर ये तमाम दवाइयाँ समय पर उपलब्ध हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग बच्चों को लेकर के आए थे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी और चूँकि उस बच्चे का परिवार से कोई शख्स जुड़ा हुआ नहीं है, आप इधर आइए, आप भी बच्चे को यहाँ पर लेकर के आए हैं तो वहाँ पर किस परिस्थिति में था बच्चा और यहाँ पर कैसा है? अभी क्या हाल क्या हो गया? हम लोग तो मदद करते हैं, मदद करते हैं, सब मदद करते हैं। कौन सा ग्रुप है? बाबा ग्रुप है, नाम है बाबा ग्रुप, उसका नाम है बाबा ग्रुप, हम लोग गरीब को मदद करते हैं। क्या नाम हुआ? जाहिर अंसारी। जाहिर जाहिर अंसारी जाहिर अंसारी कहाँ पर रहते हैं? सोबिनपुर आसमी आसम बनी है। इस ग्रुप से कौन कौन सा काम हो सकता है? जितना गरीब का जितना मदद चाहिए हम लोग करते हैं। इस मामले में शादी आदि हो गया है, कोई ब्लड का है, कोई हॉस्पिटल भर्ती है तो हम लोग सब मदद करते हैं अपने अपने ग्रुप के माध्यम से। ये बच्चे जो हैं, ये युवा जो हैं, लोगों की सहयोग करते हैं, बच्चों का देख सकते हैं कि अब यहाँ से ओटी में ले जाया जा रहा है, सर्जरी का ओटी में ले जाया जा रहा है, चिकित्सकों की टीम इस बच्चे को लेकर के जा रही है और साथ में जो तमाम चिकित्सक हैं
वो भी और जो अस्पताल के कर्मी हैं वो उस बच्चे को लेकर के जा रहा है, कुछ जूनियर डॉक्टर भी लेकर के जा रहा है। तो जिस तरह से त्वरित यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर हैं वो पहुँच गए, यह कहा जा सकता है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को बचा लिया जाए। इस खबर से जुड़े हम तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहेंगे। तब तक आप न्यूज़ 24